नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल ना लेने का सवाल। कहा, किसानों का नुकसान क्यों चाहती है सरकार। पासवान ने कहा, कारोबारी उठाते हैं बोनस का फायदा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में निकला मरा हुआ चूहा। 9 छात्र और एक टीचर की तबियत बिगड़ी। मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। एमपी के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अंडा परोसने के समर्थन में आदिवासी। उमरिया में 17,000 हस्ताक्षरों के साथ सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल सकता है अंडा। सरकार की कोशिशों के बावजूद प्याज के दाम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। नासिक की लासलगांव मंडी में 113 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। बारिश से फसल खराब होने और आवक गिरने को माना जा रहा वजह। बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों को धान पर बोनस देने का मामला एक बार फिर लोकसभा में उठा। प्रदेश सरकार किसानों को धान की 1,815 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 685 रुपए बोनस देना चाहती है, लेकिन इस बोनस के चक्कर में केंद्र सरकार ने राज्य से चावल खरीदने से इनकार कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सुधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि आखिर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से धान को सेंट्रल पूल में ना लेकर वहां के किसानों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है। किसानों को बोनस मुहैया कराते हैं, ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये बोनस मुहैया कराने के चलते आप छत्तीसगढ़ सरकार से चावल नहीं खरीदते हैं, आपका सेंट्रल पूल से उनको ये मौका नहीं दिया जाता है। इसके चलते वहाँ के जो आम फार्मर्स है, आम किसान है, उन्हीं लोगों के ऊपर इसके बड़ा असर होने वाला है। तो इसी विषय को लेकर आप सदन को थोड़ा आप बताइए। कांग्रेस नेता के इस सवाल का केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बोनस पर धान खरीदने पर दूसरे राज्यों से लोग वहां आकर धान बेचने लगते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। जगह पर बोनस देते हैं तो दूसरे जो बगल में राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहां से जो है जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी कम दाम में खरीदते हैं और वहां चूंकि किसान को ज्यादा मिलता है तो वहां जाकर के बेच देते हैं। इस तरह की शिकायतें मिली थी तो उसमें सरकार ने पॉलिसी बनाया कि जो राज्य जो है बोनस देंगे तो वहाँ जितना उनकी ज़रूरत है पीडीएस में हम उतना ही खरीदेंगे, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि हम जो है नहीं खरीदेंगे। लोकसभा के प्रश्नकाल में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने का भी मुद्दा उठा। राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी और मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने यह सवाल उठाया। दरअसल इस योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली किश्त 7,62,00,000 किसानों को मिली, लेकिन तीसरी किश्त केवल 3,85,00,000 किसानों को ही मिल पाई है। इसकी वजह किसानों के सत्यापन में आने वाली समस्याएं हैं। इन सवालों का जवाब देते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को सम्मान निधि ना मिलने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से किसान को पैसा रिलीज नहीं कर सकते। तो ये डेटा महत्वपूर्ण होता है और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि राज्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज किसानों की जो किसानों को 6,000 रुपए के जो लाभ मिला है वो लगभग 7,62,00,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कर्ज वसूली से परेशान होकर एक किसान के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने इलाहाबाद बैंक पर कर्ज लौटाने के लिए किसान को धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसान दीदार सिंह पर बैंक का लगभग 7,50,000 रुपए बकाया था, लेकिन गन्ने का बकाया भुगतान ना मिलने से वो किस्तें नहीं चुका पा रहे थे। इस बीच बैंक ने कर्ज वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके परिजनों के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। बैंक वाले आए थे जी, आके इधर ऐसे हरकाने लगे कि हाँ जल्दी कर्जा नहीं अदा करोगे तो हम जमीन का कुर्की कर देगा।
5,67,000 रुपए का कर्ज ले रखा था। इसके अलावा इन्होंने भी कृषि कार्यों के लिए 1,85,000 कर्ज लिया था, तो कुल 7,42,000 का कर्ज था। घर में इनके ट्रैक्टर है, इनके दो बेटे और एक बेटी हैं। अब किन कारणों से इन्होंने सुसाइड किया है, अभी इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं। गिरती कीमत की मार झेल रहे गन्ना किसानों को इस साल राहत मिल सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का जो ग्लट यानी जरूरत से ज्यादा उपलब्धता बनी हुई थी, वो स्थिति अब खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की मांग में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही पहले सूखे और बाद में लगातार बारिश के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस साल गन्ने का उत्पादन भी घटा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के मुताबिक इस साल बीते साल के मुकाबले 21% कम यानी 260 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि घरेलू बाजार की खपत के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसी तरह 2019-20 में वैश्विक स्तर पर चीनी उत्पादन 1756 लाख टन और मांग 1876 लाख टन रहने की संभावना है। यानी चीनी का उत्पादन इसकी मांग से 120 लाख टन कम रहने वाला है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जानकारों ने गन्ने की मौजूदा कीमत बढ़ाने की मांग उठाई है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए, तमाम फैक्टर्स हमने सामने रखे, क्या ये परफेक्ट समय है कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए? देखिए, पिछले दो साल से केंद्र सरकार ने जो FRP घोषित करती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने यहाँ पर SAP घोषित करती है, उसमें रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया है। यदि दो साल तक किसी चीज़ का रेट ना बढ़ाया जाए तो वास्तविक रूप से उसका जो रियल वैल्यू है वो इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से घट जाता है। यानी रेट वास्तव में घटा दिया गया है, पहली बात तो है ये। दूसरा, इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि भाई गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर बम्पर वो रखे हुए स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस कारण से बहाना बना करके इन्होंने उसका जो है रेट बढ़ाने का काम नहीं किया। ये बात ठीक है कि 332 लाख टन का उत्पादन पिछले साल चीनी का हुआ था, जबकि मांग हमारे यहाँ 260 लाख टन के आसपास होती है। लेकिन इस साल उत्पादन घटने वाला है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ 107 लाख टन की जगह लगभग 55 लाख टन और कर्नाटक में भी 44 लाख टन की जगह 33 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है, और पूरे देश में 260 लाख टन चीनी उत्पादन होगा जो हमारी मांग को पूरा ही कर पाएगा। तो हमारे पास जो है एक एक्सपोर्ट के लिए एक इंसेंटिव बनता है। जी जी जी, ये बताइए कि अगस्त में भी सरकार ने तोहफा दिया था, सरकार ने कहा था कि कुछ 60 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी और बोला था कि इस पर हम अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं और उसका सीधा का सीधा जो फायदा है वो किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम है, एक विंडो है, तो अब किसानों को ये मिलने की कुछ उम्मीद जगती है? बिल्कुल, देखिए इस साल 143 लाख टन का हमारे पास चीनी का ओपनिंग स्टॉक था, क्योंकि उत्पादन मैंने बताया 260 लाख टन हमारी मांग के अनुरूप रहेगा, तो हम जो अभी बनेगी उसको कच्ची चीनी में परिवर्तित करके एक्सपोर्ट होता है वो जनरली, तो इस साल की जो चीनी बनेगी उसको हम मैक्सिमम 60 लाख या 70 लाख टन एक्सपोर्ट यदि कर भी दें तो अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बावजूद भी हमारे पास चीनी सीजन के एंड में लगभग 75-80 लाख टन चीनी बची रहेगी, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। और बाहर विदेश में इस बार उत्पादन कम हुआ है, मांग से और उत्पादन के बीच में 120 लाख टन का अंतर है, तो इस वजह से डिमांड सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो परफेक्ट इस वक्त हमारे हक में जाता है। मगर क्या चीनी मिल्स इसके लिए राजी होंगी? देखिए, जब दो साल से इन्होंने ये कह करके कि ज्यादा उत्पादन है रेट नहीं बढ़ाया, तो अब कम उत्पादन है तो उन्हीं के लॉजिक से रेट बढ़ना चाहिए। और वैसे भी दो साल तक रेट ना बढ़ाने का मतलब है कि आपने वास्तविक रूप से उसका रेट घटा दिया है। और FRP भी मैं आपको बता दूं, पिछले साल होशियारी करते हुए सरकार ने FRP जो 9.5% पर मिलती थी आधार जो रिकवरी, उसकी जगह 10% कर दी। इसी से 13-14 रुपए का अंतर पड़ जाता है रेट में, कम हो जाता है रेट, घट जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी ये मांग है कि अब माकूल समय है कि गन्ना किसान जो परेशान है, लागत लगातार बढ़ी है, तो अब कम से कम जब उत्पादन कम हो रहा है तो आप कम से कम जो है रेट ऐसा करिए 400 रुपए के आसपास का, क्योंकि 300 रुपए लागत आ रही है और डेढ़ गुना का वायदा आपका था लागत का, यानी 450 रुपए तो आपके मुंह से जो आपने वायदा किया था मिलना चाहिए, तो कम से कम 400 रुपए ही दे दो।
तो अभी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ अभी भी कुछ 350 करोड़ रुपया बकाया है। 3500 के आसपास। 3500 जी, जी, जी। पिछले साल 33,000 करोड़ का गन्ना लगभग सप्लाई किया था उत्तर प्रदेश में किसानों ने, उसमें से 3200-3300 रुपए का अभी भी बकाया है मूलधन पिछले साल का। यदि इसके ऊपर जो ब्याज, जो गन्ना आदेश है उसके अनुसार 14 दिन के ऊपर जो ब्याज दे है वो जोड़ दिया जाए तो ये 5-6 हजार करोड़ की फिगर बन जाती है, तो वो इन्होंने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं गन्ना नीति पर इनको जो है पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जो ये एथेनॉल की बात होती है उसके लिए भी तमाम इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि वो डाइवर्ट कर पाएंगे एथेनॉल को सही? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जुटाने की बात हो रही है, सारे फैक्टर्स हक में है। एथेनॉल से भी अगर पैसा जुटाया जाता है तो अल्टीमेटली किसानों के जो बकाया भुगतान है वो हो पाएंगे। हमने जैसे लखीमपुर खीरी में देखा, एक किसान जो है उसने आत्महत्या कर ली, गन्ना किसान था। तो अब इनके दिन कब इसमें सुधरेंगे? दो कदम उठाने की आवश्यकता है। जब ज्यादा बंपर उत्पादन हो तो हमारी मांग जो चीनी की है उसको चीनी बना लें, बाकी गन्ने का उपयोग या तो एथेनॉल में कर लें या और शराब वगैरह जो बनती हैं उस तरह की स्प्रिट्स बनती हैं उसमें कर लें, जो भी बेनिफिशियल हो मिलों के लिए, ताकि गन्ना किसान को पेमेंट मिले। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, गन्ने का चीनी का 75% जो उपयोग है वो कमर्शियल होता है, और जैसे तो तरह तरह के जो उत्पाद हैं जैसे मिठाइयां हैं, च्यवनप्राश हैं या और तरह तरह की चीजें, उसमें 60-70% तक चीनी होती है। तो वो 15-20 रुपए की चीनी को 500 रुपए किलो में बेच देते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जैसे घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के रेट अलग अलग होते हैं, कमर्शियल सिलेंडर ज्यादा होता है, तो अगर हम इसका रेट कमर्शियल उपयोग में लाने वाले का, जो 75% यूसेज कर रहे हैं इस देश में चीनी का, खपत कर रहे हैं, उसका यदि हम ज्यादा कर दें तो अच्छी कीमत मिलों को भी मिल जाएगी और किसान को मिल जाएगी और आम उपभोक्ता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए कि अक्टूबर में ही एक हुंकार रैली हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक बड़ी रैली, गन्ना किसान उसमें शामिल हुए, उन्होंने बोला कि दाम तुम्हारे फसल हमारी ये अब नहीं चलेगा, हम खुद दाम तय करेंगे जी। तो अब उस फ्रंट पर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि इसको और कोई नहीं ले सकता है, ये मिलों में ही जाएगी या कोल्हू में जाएगी, कोल्हू वाले का और कम रेट होता है, तो किसान भी मजबूर है कि भाई ये इन्हीं को दे, क्योंकि वो वैसा भी नहीं है कि गन्ना काट के आपने स्टोर कर लिया, बाद में बेच देंगे, महंगा रेट हो जाएगा, बाद में भी बेचेंगे तो किसको बेचेंगे, इन्हीं को बेचना पड़ेगा, बाद में तो बेचने का पहले सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए मजबूरी है कि किसान इन्हीं को दे सकता है, इसी चीज का फायदा उठा करके। और ये तो सरकार के जब हाथ में है कि उन्होंने पिछले साल 315 रुपए का रेट घोषित किया था, 2 साल से रेट बढ़ाया नहीं, तो इस बार कम से कम रेट अच्छा यदि कर देंगे तो इसमें सभी का लाभ होगा। और ड्यूअल प्राइसिंग आप करें, कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले चीनी इस्तेमाल करने वालों से ज्यादा पैसे लीजिए और आम घरेलू उपभोक्ता से सामान्य पैसे लीजिए, तो किसानों का भी भला, देश का भी भला। और एथेनॉल उत्पादन अगर आप करेंगे तो आपकी जो पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट है वो भी कुछ कम होता है, आपकी विदेशी मुद्रा भी बचती है, तो सबको इससे लाभ हो सकता है। तो यानी जो पूरी पॉलिसी है, जिस तरह से पुष्पेन जी ने इन बातों को सामने रखा, एक तरह से ये सलाह दी है, आने वाले दिनों में रेट्स आने वाले हैं, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, जो खास खास बात इस चर्चा से निकल कर आई है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जाकर जो किसान हैं वो अपने दुखों से उबर पाएंगे और एक सही नीति गन्ने के मामले में, गन्ना उद्योग को, चाहे वो चीनी मिल हो या गन्ना किसान, उनके हक में बन पाएगी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में गड़बड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुजफ्फरनगर के जनता इंटर कॉलेज में मिड डे मील में मरा चूहा निकलने का मामला सामने आया है। यहां जन कल्याण सेवा समिति नाम का एनजीओ बच्चों के लिए मिड डे मील की सप्लाई करता है। बताया जा रहा है कि यहां बच्चों को परोसी गई दाल में मरा चूहा निकला है। इस दूषित खाने को खाने से 9 छात्रों और एक टीचर की तबीयत बिगड़ गई। इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने मिड डे मील को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। जैसे हम बांट रहे थे जी, वैसे उसमें हम चमच लिया, ऊपर हमने डाला तो उसमें वो आया जी, चूहा मरा हुआ और बीच में से चिर रहा था जी। तो बच्चों को बटवाया जा रहा था तो एक बच्चे के टिफिन में वो पहुंचा, उसने बताया और उसके बाद बांटना रोक दिया। 9 बच्चे उसको चख चुके थे, 9 बच्चे और एक टीचर जो उसका निरीक्षण करते हैं वो उसको चख चुके थे, और उनमें से एक तो टीचर सिर दर्द बता रहे थे और एक बच्चे को उल्टी लगी थी। अभी जो प्राथमिक जानकारी है, वहाँ मिड डे मील की जिम्मेदारी
एक गैर सरकारी संगठन को एनजीओ के पास है, उन्हीं के द्वारा सप्लाई किया हुआ भोजन वहां पर दिया जाता है। अभी तुरंत ही घटना संज्ञान में आते ही उनको ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश विभाग ने दे दिया है। मामले की और विस्तृत जाँच करा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आने के बाद और भी कार्रवाई। लोकसभा में प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार से सफाई देने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार प्याज का आयात कर रही है, इसके बावजूद प्याज 130 से 140 रुपए प्रति किलो क्यों बिक रहा है। प्रधानमंत्री हमारा कहते हैं ना हम खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री कुछ खाते हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिचौलिया सब खा जाते हैं। सर, हमारे हिंदुस्तान की आम लोगों की जेब खाली हो गए और ये सरकार अभी ताली बजा रहे हैं। हम क्या करें सर, तूर की दाम, वेजिटेबल की दाम, सब्जी की दाम सर, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में नासिक जिले की लासलगांव मंडी में प्याज का दाम बढ़कर 11,300 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। इसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहा जाता है। यहां दाम बढ़ने का मतलब है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके लिए बारिश से प्याज की फसलों को हुए नुकसान और उसे मंडी में प्याज की आवक घटने को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि प्याज किसानों ने कारोबारियों पर मनमाना दाम लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बारिश के चलते पहले से प्याज की फसल का काफी नुकसान हो चुका है, अब व्यापारी किसानों को कम दाम देकर आगे ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। प्याज उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से किसान भी उसमें बहुत किसान की बहुत ज्यादा हानि हो चुकी है। लेकिन व्यापारी वर्ग के पास प्याज आ ही नहीं रहा, तो प्याज देंगे कहां से? और जितना प्याज है, प्याज की मात्रा कम होने की वजह से ये दाम तो बढ़ नहीं वाले हैं और उसको व्यापारी वर्ग भी कुछ नहीं कर सकता है। अभी हमने 7 से 8 एकड़ में प्याज लगाया था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 एकड़ में प्याज निकला है। बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई है और जो भी कुछ अच्छा प्याज निकला है वो व्यापारी लोग हमसे 5-6 हज़ार, 7 हज़ार में ले रहे हैं और 11,000-12,000 में बेच रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो हमारा बहुत हो गया है। आपको कितना खर्चा आया था प्याज लगाने के लिए? अभी ऐसा समझो हमको अगर 50,000 भी खर्चा आता है तो उतना भी नहीं मिल पा रहा है हमको, तो हमारी लागत भी हमसे नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि जानकार महाराष्ट्र नासिक से गिरधर पाटिल जी। गिरधर जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। लासलगांव में प्याज का भाव इतना तेज हो गया है, इसका मतलब समझा जाए कि आने वाले दिनों में जो बाकी की देश की जो बाकी मंडियां हैं उनमें भी प्याज बहुत तेज रहने वाली है, क्या कारण मानते हैं आप? इस साल फसल भी कम है और व्यापारियों को अभय भी मिला है गवर्नमेंट से, ये सब चीजें करने के लिए गवर्नमेंट का जो सपोर्ट लगता है वो इस साल कुछ ज्यादा ही मिला है। सपोर्ट से आपका मतलब क्या है? व्यापारियों का षड्यंत्र इसके पीछे है, इसीलिए प्याज के भाव बढ़े। ये बताइए कि सरकार का तो पूरा अमला लगा था अगस्त से, सीबीआई, ईडी और रॉ, इन सबको भी प्याज के दाम ना बढ़े और व्यापार जो जमाखोर हैं उन पर नकेल कसने के लिए पूरा अमला, पूरा तंत्र लगा हुआ था, उसके बावजूद इस तरह की खबरें आ रही हैं, इतना उछाल आ रहा है भाव में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, सीबीआई ईडी का तो नाटक था, वो एक नाटक था। ये व्यापारी लोग किसी से भी डरते नहीं है, जो भी सरकार हो उसको पैसे देके अपना काम चलाती है। व्यापारियों के लिए सरकार का, ईडी का, सीबीआई का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सब मीडिया में दिखाने के लिए बातें होती है। जी गिरधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गिरधर पाटिल जी बड़े साफ तौर पर ये बताते हुए कि कार्टेलाइजेशन और जो जमाखोर हैं, जो व्यापारी जो उसको समय रहते हैं जिन्होंने उसको स्टॉक कर लिया
उसी की वजह से ये एक बड़ा फैक्टर है। बाकी जो प्राकृतिक आपदा आई वो तो एक फैक्टर है ही, यानी अगले कुछ एक महीने में प्याज के भाव जो हैं हो सकता है सेटल हो जाएं, क्योंकि बाहर से इजिप्ट और टर्की से जो मंगाई गई प्याज है वो भी देश में आ जाएगी और प्याज की जो अगली नई फसल है वो भी शायद बाजार में आ जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने अगले साल 1 जून से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने की बात कही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में ये सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कोई समय सीमा तय की है। इस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस योजना के लिए राशन कार्ड को आधार से और इसे पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस महीने तक तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में ये योजना लागू हो जाएगी। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले मजदूर PDS दुकानों से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सभी राज्यों में जो है POS मशीन लगवा करके 100% और 1 जून से पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड जो है शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों को यूरिया मिलने में कोई दिक्कत ना हो, कमलनाथ सरकार ने इसके लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया है। इसका नंबर 07552558823 है, 07552558823। किसान इस नंबर पर फोन करके सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यहां किसानों की शिकायतें निपटाने के लिए सहायक संचालक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। यहां आने वाली शिकायतों की रिपोर्ट सीधे कृषि मंत्री सचिन यादव को भेजी जाएगी। इस बीच कमलनाथ सरकार ने किसानों को पर्याप्त यूरिया मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। हालांकि पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाए हैं। तकलीफ इस बात की है कि आम जन, विशेषकर मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा, बुरी तरह से त्रस्त और परेशान है। आज खाद की एक एक बोरी के लिए रात रात भर लाइन में लगना पड़ता है। पुलिस के पहरेदारी में जैसे तैसे खाद का वितरण होता है और वो भी मिलती थी एक बोरी और दो बोरी। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसने का समर्थन किया है। उमरिया जिले में आदिवासियों ने इसके समर्थन में रैली निकाली और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 17,000 हस्ताक्षर वाला मांग पत्र भी सौंपा। आदिवासियों का कहना है कि बच्चों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसा जाना चाहिए। बच्चों में कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश की हालत काफी खराब है। इसे देखते हुए कमलनाथ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी इसे बच्चों के खानपान में बेजा दखल बताकर इसका विरोध कर रही है, लेकिन अंडे को जरूरी पोषक तत्व देने वाला सबसे सस्ता विकल्प माना जाता है। हमारे आकाशकोट के गांव में जो कुपोषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे गांव का कहना है कि आंगनवाड़ी में कुपोषण कम करने के लिए कम से कम वो अंडा और फल दिया जाए तो कुपोषण बच्चों में कमी और सुधार हो जाए समाज की। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अंडा वितरित करने की बात शुरू हुई है, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल और कुछ रिलीजियस तबके ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज बहुत मुखर होकर के इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि अपना धर्म और अपनी ठेकेदारी किनारे रखिए और कुपोषण से लड़ने में अंडा सहायक है तो उसको वितरित होने दीजिए। अंडा वितरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें 20 सूत्री मांग है उनका और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भिजवा दिया जाएगा। फसल को जानवरों से बचाने के लिए किसान कभी खेत में पुतला लगाकर तो कभी तरह तरह की आवाज निकालने की तरकीबें आजमाते हैं, लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा में एक किसान ने अपनी फसल को बंदरों से बचाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। देखिए क्या कहते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी बाघ होता है, लेकिन यहाँ तो कुत्ता ही बाघ है। चौंकिए नहीं, कुत्ते को बाघ की शक्ल दी है कर्नाटक के शिवमोगा जिले के नल्लूर गांव के किसान श्रीकांत ने। उन्होंने बंदरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने कुत्ते को टाइगर के पैटर्न में रंग दिया। मेरा जो सॉफ्ट टॉयस बाहर से लेके आके उसको रख के उसको डराता था, वो डरने के बाद में उन लोग वो
डरने का छोड़ दिया, क्यों उसको आदत पड़ गया। उसका वजह से मैं क्या किया, मेरा बुलबुल बोल के एक मेरा कुत्ता है, वो कुत्ते को मैं हेयर डाई करके उसको बगीचे में लेके जाता था सुबह और शाम को। लगभग 25 एकड़ जमीन पर कॉफी, सुपारी और इलायची की खेती करने वाले श्रीकांत को बंदरों से काफी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन बंदरों को भगाने की सारी तरकीबें बेकार हो गईं, तो उन्होंने अपने कुत्ते को टाइगर के रंग में रंगने का नुस्खा आजमाया और ये तरकीब काम कर गई। इसे देखते ही बंदर फरार हो जाते हैं। अब तो आसपास के गांवों में भी किसान इस तरकीब को आजमा रहे हैं। Now our crops is saved from monkeys. Even every farmer should use this idea and save their crops. Even our income and the crops saved because of my dad's idea. कर्नाटक में बंदरों को मारने पर पाबंदी है, लेकिन इनकी बढ़ती आबादी किसानों के लिए आपदा साबित हो रही है। ऐसे में ये तरकीबें तो कारगर हैं, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर भी बंदरों की आबादी नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।